किरवा कहा। चिरवा पंचायत के विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला के अंतर्गत पड़ने वाले सरिया प्रखंड स्थित सुदूर पूर्व पंचायत चिरवा में छठ व्रतियों द्वारा आस्था की डुबकी लगाई गई। बताते चलें कि चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व के आस्था चली और सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना के साथ सूर्योदय के पश्चात बड़ी धूमधाम से पर्व सम्पन्न हुआ। छठ पूजा के पावन अवसर पर सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें और भाई छठ घाटों पर उमड़ पड़े। विदित हो कि इस पंचायत में कुल 7 गांव या टोला है, जबकि मात्र एक टोला या गांव में पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद विगत 11 वर्षों से मात्र एक छठ घाट का निर्माण हो पाया है, जिसे आम ग्रामीण या सनातन धर्म वालियों के मन में आक्रोश स्पष्ट रूप से छठ घाटों पर देखा गया। लोग एक दूसरे को कहते नजर आए कि क्या फायदा अपना गांव का मुखिया प्रधान बनाने से, जब वे हमारी मूलभूत सुविधाओं का समाधान 11 वर्षों से नहीं कर पाए। हम लोग कोई अपना घर चलाने के लिए नहीं बात करते, दंडवत जाने वाले व्रतियों को रास्ता खराब होने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि वर्तमान मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा बिना सोचे समझे ग्राम सभा के बगैर मनमौजी ढंग से कार्यकाल चलाया गया, जिसका नतीजा आम ग्रामीण अब भोग रहे हैं। इस छठ घाट पर काफी अवस्था देखी जा सकती है, न आने जाने का रास्ता बन पाया, ना ही इस कमी को दूर करने पर वर्तमान मुखिया की कोई पहल रही। रवि सिंह की रिपोर्ट। में लगभग 9 छठ घाट है, छठ घाट में एक छठ घाट बना है कर्मा, अभी तो नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयास तो रहेगा कि बनेगा। इस टेक्निकल फॉल्ट के चलते नहीं बना है, समय के अभाव में कहिए या तो छठ घाट तो 2-3 जगह चढ़ा है, लेकिन पानी भरा रहने के कारण नहीं। धन्यवाद। छठ महापर्व के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई। और इस व्यवस्था जो कमी रही, जो आत्म निर्भर लोग नहीं रह पाए, जिसके चलते जो वर्तमान व्यवस्था है पंचायती राज का, उस व्यवस्था में छठ घाट एक का चारों छठ घाट बना रहता, सभी गांवों में छठ घाट बन गया रहता। लेकिन जो नियम और कानून जो है, उन्होंने किनारे करके और सिर्फ पैसा कमाने के गरज से योजनाओं को योजनाओं स्वीकृत करते रहा। पता नहीं चला लोगों को कि किस योजना कहाँ से और कहाँ देना चाहिए। कभी ग्राम सभा, कभी आम सभा करवे नहीं किया इस 5 साल के दरमियान में, 6 साल के दरमियान में। इस छठ घाट में आज देखने को मिला कि भारी कमी है, किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं हुआ इसमें, न किसी तरह काम हुआ, न कच्चा काम हुआ, न पक्का काम हुआ। इससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हो रही है। मुझे खेद है कि इस बार पहला ग्राम सभा यदि होगा आम सभा, उसमें पहला प्राथमिकता इसी छठ घाट को हम लोग देंगे। और हम कहेंगे वर्तमान जो प्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग बैठक बुलावें और हम लोग एक नंबर में इस छठ घाट को स्वीकृति दे दें। सभी ग्रामीणों से भी आग्रह होगा कि उस ग्राम सभा में सब लोग उपस्थित होकर के उस पर ध्वनि मत से इसको छठ घाट को स्वीकृति प्रदान किया जाए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु किस्म के हैं, किसी तरह से किसी योजनाओं में विरोध नहीं किया। और जो मन में बुझाया लोगों को, पंचायत प्रतिनिधियों को, वही काम किया। देखने को काम एका दुका मिलता है, जबकि काफी पैसा 6 साल के अंदर में आया। बहुत सारी मतलब समस्या निदान हो सकता था, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए, मॉनिटरिंग बढ़िया से नहीं कर पाए। मुखिया वर्तमान जो है वो ध्यान योजनाओं गंभीरता से नहीं लिया, जिससे लेकर के आज मतलब समस्या खड़ा है। लेकिन हम सबको कहेंगे
अभी जो वर्तमान प्रतिनिधि है, कभी बैठक होता है इस दरमियान में, तो इसको एक नंबर में स्वीकृति दे दें। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह हर्षोल्लास के साथ में छठ मनाते रहें। ये पवित्र महा छठ पर्व है, इसको मतलब पवित्रता बचाने के सभी को मतलब काम है और बचा करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।